गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजविंदर सिंह फ्रॉम गुरु नानक पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल रैया। बच्चों, आप 11th क्लास की जनरल इंग्लिश करते पे हाँ। बुक का नाम हैगा अ पैनोरामा ऑफ लाइफ। इंटेंसिव स्टडी का आप चैप्टर करते पे हाँ सैकेंड, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इतने आप स्टोरी मैं रिपीट ना ही करा, तुहानू दस्सिया ग्रैंड मदर ते उहदी ग्रैंडसन की स्टोरी है। तो हुण पहलो पिंड विच रहिंदे ही, फिर शहर में आ गए दोनों दादी पोता, तो हुण देखदे अगे जाके की होगा। की कहिंदा ये लेखक खुशवंत सिंह, वैन आई वेंट अप टू द यूनीवर्सिटी। हुण वो स्कूल ख़त्म हो गया, वो कॉलेज ख़त्म हो गया होगा, हुण यूनीवर्सिटी स्टार्ट हो चली आ लेखक दी। अगे हायर कोर्स करता पिया होगा कोई। आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, इनू अपना कमरा मिल जाता। भी जे पहलों तो दादी ना रहिंदा ही ना, हुण इहदा अपना कमरा हो जाता जिथे बैठ के वधिया पढ़ सकता हुंदा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, स्नैप्ड हुंदा टुटना, ते जेहड़ा इन्हां दी दोस्ती दे विच कोई लिंक ही वह भी खत्म हो जाता। भी ग्रैंड मदर गल्लां बातां इन्हां नाल करदी हुंदी, इन्हां दा इक्को रूम हैगा ही, इहनू तैयार करदी हुंदी ही, सवेरे ठौंदी हुंदी, सब कुछ खत्म हो जाता। माई ग्रैंड मदर असैप्टिड हर स्कल्जन विद, स्कल्जन हुंदा एकांतपण, जिदा इकले रहना, विद रेजीनेशन हुंदा शांति दे नाल। जिहड़ी दादी ही ना, उहने असैप्ट कर लिया भी चलो मैनू हुण कल्ले ही रहना पैना, भी इहदी लड़के की पढ़ाई उच्ची है कोई, भी इहनू सिंगल रूम मिल गया हुण। शी रेयरली लैफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टाक टू एनी वन, वो अपना चरखा नहीं छड़दी हुंदी हुण। भी आंदे बड़ा बड़ा रेयर केस हुंदा सी जदों चरखा छड के किसी नाल गल करे, पर वह गल करदी नहीं किसी नाल, सिर्फ वो आप चरखा ही कातदी रहिंदी हुंदी सी। फ्रॉम सनसैट शी सैट बाय हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। जदों सूरज चढ़दा हुंदा ही, सनसैट नहीं आउणा इत्थे, इत्थों कट के राइज लिखिया वा, जदों सवेरे सूरज चढ़दा हुंदा ही, राइज करदा हुंदा ही, तो ये बैठ जाती हुंदी ही चरखा डा के, तो चरखा कातदी रहिंदी ही, तो नाले प्रेयर करदी रहिंदी हुंदी ही। ओनली इन द आफ्टरनून, दोपहर दे वेले, शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल, कुछ समय लई ये सह लैंदी ही, तो उदों ये किन्ना नू फीड करदी हुंदी, किन्ना नू चोगा पाउंदी ही चिड़िया नू। दादी की गल दसता पिया, वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रैड इन टू लिटल बिट्स, हंडर्ड ऑफ लिटल बर्ड्स कलैक्टिड राउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग। हुण कहिंदे आ भी जदों वह वरांडे च बैठती ही, तो छोटे छोटे ब्रैड के टुकड़े करन दिंदी ही, तो सौआं दे विच किन्ने ज़्यादा पंछी, छोटे छोटे पंछी ये आले दुआले आ जाते होंगे ही, तो बड़ा चह चह लिखा ना बैडलम, बैडलम का मतलब हों वा पागल, पागलखाना जहा लगता हों, भी इन्ने पंछी जे बैठे होंगे ही, तो बड़ा चहकते पे होंगे ही। शी कम सम केम एंड परच्ड ऑन हर लैग्स, अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ पंछी उहदियां लैग्स के उपर बैठ जाते होंगे ही, कुछ उहदे मोढ़ियां ते बैठ जाते होंगे ही ग्रैंड मदर दे। सम ईवन सैट ऑन हर, कुछ उहदे सिर के उपर भी बैठ जाते होंगे ही। शी स्माइल्ड, वह हसदी होंगी ही जदों इदा पंछी करते ही, बट नैवर शूड, शूड हुंदा अडाउणा, भी उहनां नूं अडाउंदी नहीं हुंदी उह। इट यूज्ड टू बी हैप्पीएसट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर आर, ये जिहड़ा उहदे ये समा हुंदा ना, ये सब तो खुशी वाला समा हुंदा ही उहदे लई, जदों पंछी उहदे नाल इदां खेडां जिहियां खेडदे हुंदे ही। वैन हुण अगे की आ, वैन आई डिसाइडिड टू गो अब्रॉड फॉर फरदर स्टडीज़, खुशवंत सिंह कहिंदा भी जदों मैं फैसला कीता सी भी मैं बाहर जाना वा अगे की पढ़ाई लई, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसैट, मैनू पक्का यकीन ही भी मेरी दादी जरूर उदास हुई होगी। आई वुड बी अवे फॉर फाइव ईयरस, आई वुड बी अवे फॉर फाइव ईयरस एंड एट हर एज वन कुड नैवर टैल, बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट ईवन सेंटीमेंटल, शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिडंट टाक और शो एनी इमोशंस। हुण इन्हें पंजा सालां लई बाहर जाना ही, तो ग्रैंड मदर जिहड़ी आ, ग्रैंड मदर नूं सारी समझ ही भी हुण की होना वा। ग्रैंड मदर जिहड़ी आ वो इहदे नाल रेलवे स्टेशन ते गई, पर इहदे नाल कोई गल नहीं कीती उहने, भी उहने वो अपने इमोशंस दिखाउणा नहीं चाहुंदी, भी वह बड़ी अंदरों वैसे सैड ही भी चलिया मैनू छड के, पर इन्हें दादी ने कोई गल नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, वो जिहड़े बोल ही ना हजे भी तो मतलब प्रेयर करते पे ही।
हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, पर उदा मन जेड़ा ही ना वो प्रेयर च नहीं लगता पिया क्योंकि यदा पोता ये को चलिया ही हूँ बाहरले देश। हर फिंगरस वर बिजी टैलिंग द बीट्स ऑफ आ रोजरी, तो रोजरी माला ही होंगी है तो बीट्स मणके होंगे उदियाँ जड़िया उंगलों ही वो भी व्यस्त ही भी वह माला माला फेरती पई ही। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहैड, चुप चपीते उन्हें की किया मत्थे चुमया। एंड वैन आई लैफ्ट आई चैरिस्ट द मोस्ट इमप्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन अस, भी जदों इतों चल गया तो इन्हें मतलब वो चीज़ को महसूस किया भी इन्हें फिजिकल कंटैक्ट होया ना, भी उन्हें मत्थे ते किस किया भी इन्हों बड़ा जिदा कह लो भी निग जहा मिले दादी को इस तरह का। बट दैट वॉज नॉट सो आफ्टर फाइव ईयरस, पंजा सालों तो बाद आई केम बैक होम, ये वापस घर आया। एंड वास मैट बाई हर ग्रैंड मदर नू मिलिया रेलवे स्टेशन ते, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो मासा भी बुढ़ी नहीं लगन दी उदा दी लगन दी ही। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैस्ट मी इन हर आर्म्स, वो उन्हें कोई गल नहीं की कोई शब्द नहीं बोलिया तो उन्हें मतलब पूरा घोट लिया बाहों के। I could hear her reciting her prayer, भी इन्हें इन जो उन्हें बाहों से इनू कुटिया ही खुशवंत सिंह नू ते इनू महसूस सुनती पई ही, वह अजे भी प्रेयर जिदा कुछ प्रेयर करती पई ही। ईवन ऑन द फस्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएसट मूमेंट वर विद हर स्पैरो होम शी फैड लोंगर विद द फ्रिवलस रिबूक्स होंगे मजाक भरिया गाला, जिदा जदों ये हूँ आ गया बाहरले देशों तो यह देखता वा भी दादी दे जोड़ा समा ना खुशी वाला वो उ भी स्पैरोस के नाल खेडना खूडना उन्होंने फीड करना तो चिड़िया मजाक भरिया झिड़कानियाँ जिदा मारनिया भी बस इदा ही करती रही होंगी ही। इन द ईवनिंग आ चेंज केम ओवर हर शी डिड नॉट प्रे, हुण शाम दे वेले आंदा मैं एक बदलाव देखिया प्रे नहीं करती पई दादी। शी कलैक्टिड द वूमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्हें आंढ गुआंढ चो लेडीज़ नूं इकट्ठा किया, एक पुराना ढोल लिया, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टिड टू सिंग ते गौन डै पी फॉर सैवरल आवर्स, किन्ने घंटे। शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलपीडेटिड ड्रम एंड हुंदा जिदा कह लो भी टुट जाना जा कुछ इस तरह की चीज़ एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वारीयरस, किन्ने घंटे वो ना ढोल नू कुटदी रही भी जिन्ना चिर तक वो टुट नहीं गया वो मैंबरेन जी तो गाँवी रही ही कि गाना गाँव दी है होम कमिंग ऑफ वारीयरस भी जेडे योधे आ घर वापस आ गए आना ने वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉयड ओवरस्ट्रेनिंग, मतलब इन्होंने कोशिश की उन्होंने रोकने की भी शायद उन्होंने थकावट ना हो जाए भी ज़्यादा वो थक जूगी। दैट वॉज द फस्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर दैट शी डिडंट प्रे, आंदा यो पहला समय जो अं मतलब मैं देखा भी वो प्रे नहीं करती पी तो योजना चीज़ा करती पई ही। ठीक है, थैंक यू, इन्ना कर देखियो पूरा इनू तो अपना सिर्फ थोड़ा पोर्शन रह गया वा इनू कल खत्म कर लाँगे। वैसे मैं दस ही दिना तुम इनू रीड कर लियो इन दो पैरे खुद पढ़ लियो। अगली सवेर की होंदा वा ग्रैंड मदर बीमार हो जाती, एक हल्का जहा बुखार आता क्योंकि उन्हें शाम को काफ़ी वह जोर लग चुकिया ही, वो लेडीज़ नाल रल के गीत गाँवी पई ही, उम्र के हिसाब ना उन्हें ज़्यादा काम कर लिया। कल डॉक्टर बुलाया गया तो अपर ग्रैंड मदर हूँ पूरी वक्री जी लगती पई, वो कहती पई भी वह हूँ समा नेड़े आ गया वा भी उन्हें जिंदा नहीं रहना, तो इदा की हुंदा वा भी कुछ चिर बाद उहदी डैथ हो जाती है। फिर उन्हों जी बॉडी हुंदी ग्रैंड मदर की उन्हों वेड़े दे विच रखिया जांदा, हर दुपहर की तरह चिड़िया उत्थे आउंदियां वा क्योंकि चिड़िया नूं उह फीड करदी हुंदी, पर उस दुपहर की हुंदा चिड़िया आउंदियां वा तो बिल्कुल भी बोलदियां नहीं आ, जिदा चहकदियां हुंदियां वा अपनी आवाज़ कढ़दियां हुंदियां उस तरह चिड़िया नहीं करन दियां हुंदियां, शांति दे नाल उत्थे बैठियां रहिंदियां वा। तो लेखक की जिहड़ी मां हुंदी उह की करदी आ चिड़िया नूं कुछ पाउंदी आ उदों
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ। ਆ ਵੇਖੋ, ਦ ਸਪੈਰੋਸ ਟੁੱਕ ਨੋ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦ ਬ੍ਰੈਡ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੋਜਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਲਿਊ ਅਵੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਆਇਟਲੀ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਸਟਬੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਲਈ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।